और अब खबरें विस्तार से। 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। वहीं विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल ने आयोग को ज्ञापन सौंपा। ओपोजिशन की मांग है कि वीवीपैट का मिलान वोटों की गिनती शुरू होने से पहले हो, न कि बाद में। 23 मई को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले विपक्षी नेताओं ने की चुनाव आयोग से मुलाकात। विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग से कई मांग की और पक्ष रखा कि ईवीएम और वीवीपैट की मशीनों की यहां पर पर्चियों का मिलान किया जाए, यानी 5 विधानसभा क्षेत्रों में जिन ईवीएम मशीनों का वीवीपैट से मिलान किया जाए वो पहले काउंटिंग के दौर में हो, बाद में उसे कराने का कोई औचित्य नहीं होगा और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वायलेंट करेगा। इसी को लेकर चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखते हुए यहाँ पर 21 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कई बातें कही हैं। दरअसल इन पार्टियों को यहाँ पर इस बात का शक है कि फेरबदल हो सकता है, ईवीएम और वीवीपैट की मशीनों की पर्चियों का मिलान सुनिश्चित किया जाना जरूरी है और अगर यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्रों में पहले इस मिलान में गड़बड़ी पाई जाती है तो तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें वीवीपैट और ईवीएम मशीनों की वोटों की गिनतियों का मिलान किया जाए और उसके बाद ही काउंटिंग शुरू की जाए। इसको सुनिश्चित करते हुए चुनाव आयोग में पहुंचे 21 दलों के प्रतिनिधियों ने कई तर्क दिए हैं। 23 मई को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग पहुंचे 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने कई तर्क दिए हैं। इस मुलाकात में विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन सौंपा है। चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में मिले विपक्षी दलों के नेताओं के इस प्रतिनिधि मंडल ने ये मांग की है कि किसी पोलिंग बूथ में विसंगति पाए जाने की स्थिति में पूरे विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के आंकड़ों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान कराया जाए। यही नहीं, नेताओं ने ईवीएम में टेम्परिंग की भी आशंका जताई है। भाई, हमने सिर्फ यही बात कही मुख्य रूप से कि काउंटिंग के समय सभी कैंडिडेट के पोलिंग काउंटिंग एजेंट्स को शामिल होना जरूरी है। दूसरी बात, पोलिंग एजेंट्स या एजेंट जिन पार्टियों के जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं किसी चुनाव में, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पर सब कुछ ठीक रहा या नहीं, ये कानूनी तौर पर अलाउड है। हर कैंडिडेट का एक कैंडिडेट उनको ये इसको लागू करवाना है। कई जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन मुख्य बात जो हमने कहा, मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग बूथ्स का वीवीपैट और ईवीएम मशीन का मैचिंग होगा। अब नियम ये बनाए थे कि ये 5 काउंट होंगे आखिर में, पहले ईवीएम सब काउंट होंगे उसके बाद होगा। हमने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका जो स्पिरिट है, सारांश है, उसके खिलाफ जाने वाली बात है। ये 5 को क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने? अगर कोई गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को सुधारना है, तो सुधरेगा कैसे? पहले आपको तय करना होगा गड़बड़ है कि नहीं, तो पहले गिनिए आप ये 5 पोलिंग बूथ, आप तय करिए। आर्बिट्री ऑर्डर ऑफ डिस्क्रिप्शन बोले, डिस्क्रिप्शनरी, आप तय कर लीजिए कौन से है ये 5 पोलिंग बूथ, उनका और उनका ईवीएम मैचिंग करिए। अगर सब कुछ ठीक है तो बिल्कुल सही, अगर ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ निकला, तब वो पूरे असेंबली सेगमेंट की वीवीपैट का काउंटिंग होगा, ना कि ईवीएम मशीन का। दरअसल लोकसभा चुनाव की मतगणना में 2 दिन बचे हैं। इससे पहले ही विपक्षी नेताओं ने राजधानी दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में मतगणना के बाद गैर एनडीए सरकार के गठन को लेकर विपक्षी नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ईवीएम में कथित गड़बड़ी को लेकर काफी दिनों से चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे हैं। ऐसे मामले में जबकि उत्तर प्रदेश और उसके अलावा कई इलाकों में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद ईवीएम गड़बड़ी को लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, विपक्षी नेताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। लिहाजा विपक्षी नेताओं ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के मिलान को सुनिश्चित करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखा है। उसमें कहा है कि पहली काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट गिने जाएगी। हम लोगों ने कहा भाई, इस राजनीतिक दलों ने नहीं, आप पहले तो वो जो 5 एक विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन की जो 5 मशीनें गिनोगे वो सबसे पहले गिनो, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी तो फिर आप उस पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए। इस मुहिम को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू काफी सक्रिय हैं।
नायडू का कहना है कि इस समय राजनीतिक पार्टियां ईवीएम की सुरक्षा में लगी हैं, क्योंकि ऐसी अफवाह है कि फ्रीक्वेंसी की मदद से ईवीएम में स्टोर डेटा बदला जा सकता है। विपक्ष के नेता अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दे रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के इन नेताओं की अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि वीवीपीएट की 50% पर्चियों का मिलान सुनिश्चित नहीं हो सकता। ऐसे में 5% वीवीपीएट पर्चियों के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यवस्था चुनाव आयोग को सुनाई थी और इसी को लेकर अब विपक्ष के नेता तर्क दे रहे हैं कि इन 5% वीवीपीएट पर्चियों के मिलान की पहले से ही तैयारी होनी चाहिए, यानी काउंटिंग के दौरान वीवीपीएट और ईवीएम मशीनों की पर्चियों का मिलान होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो तब यहां पर उसको रोक देना चाहिए, यानी तब ये साफ हो जाएगा कि यहां पर ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है। बहरहाल अब चुनाव आयोग के फैसले पर नजरें टिकी हैं। चुनाव आयोग इस बारे में अपना निर्णय अब बुधवार को सुनाएगा, इसके बाद ही विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा। जाहिर है अपनी मांग को लेकर चुनाव आयोग के दरबार में पहुंचे विपक्ष के नेताओं की कई शंकाएं हैं। ईवीएम और वीवीपीएट मशीनों की पर्चियों के मिलान को लेकर यहां पर अपना तर्क रखते हुए विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को ये समझाने की भरपूर कोशिश की है कि ये मांग लोकतंत्र के लिए हितकारी होगी और ऐसे में अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तब उनकी आगे की रणनीति देखना तो दिलचस्प रहेगा ही। कैमरामैन सुरवीर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।